अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आपको दिखाया किस तरीके से जो है वो बुलडोजर यहाँ चलाया जा रहा है और जो उसके अवैध कब्जे थे उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट पर जो है यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको बुलडोज किया जा रहा है। दरअसल कहा जा रहा था कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार इस बात की मांग कर रहा था कि बुलडोजर के जरिए जो उनका अवैध निर्माण है उसको बुलडोज किया जाए, कल प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी, बाकायदा इसको पैमाइश की गई और पता चला कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन था, ये जो बेकरी थी वो इलीगल था, लिहाजा इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर जो है वो बुलडोजर चलाया गया है और ये बुलडोजर चलाकर इसे बुलडोज किया गया। तो पूरी जो प्रॉपर्टी है ये मोहित खान जो पूरे मामले में रेप का आरोपी है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी पर ये बुलडोजर चलाकर जो है इसे बुलडोज किया गया है। सीएम योगी से जब कल पीड़ित परिवार मिला था तब कहा गया था कि जो है इस पर जो निर्माण कार्य है, जो अवैध निर्माण उसके है उस पर बुलडोजर चलेगा और ये देखिए बुलडोजर कार्रवाई जो है वो कैसे यहाँ पर चल रही है। तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको बुलडोज करने की जो है वो कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। तो माना जा रहा था कि सीएम ने जो मैसेज दिया था कि जो भी आरोपी होगा किसी भी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि जो उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्रवाई हो, लिहाजा बुलडोजर की कार्रवाई आज करके एक नजीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी चाहे कोई भी हो किसी भी कीमत पर वो बच नहीं सकता। लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चलता है, जो आरोपी जो माफिया है जिन्होंने संगीन वारदातों को अंजाम दिया है उन पर ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो चलती रही है और आज भी वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है ताकि एक नजीर पेश किया जा सके। अयोध्या में नाबालिग से रेप के आरोपियों के घर पर आज बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हुई है। कुछ प्रॉपर्टीज जो है उस पर बुलडोज आज किए गए हैं, बाकी प्रॉपर्टीज जो है उनको भी चिन्हित किया गया है। हमारे साथ एडीएम राजस्व है। सर, जानना चाहेंगे कि अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई है किन प्रॉपर्टीज हुई और कितनी प्रॉपर्टीज को और आप लोगों ने पहचान की है? हमारे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी, उन लोगों ने सीमांकन किया। सीमांकन के बाद ये पाया गया कि जो सार्वजनिक तालाब है, सार्वजनिक रास्ता है, उस पर इन्होंने इनक्रोच करके अवैध बेकरी बनाई हुई है, प्लाटिंग किया हुआ है और एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अवैध बेकरी में इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे उनकी भी हम लोग सैंपलिंग करवा के जांच के लिए भेजे हैं। इनको लीगल रूप से बताया गया था कि आप इसको अवैध अतिक्रमण को खाली कर दें, इनके द्वारा खाली नहीं किया गया। प्राधिकरण और नगर पंचायत की टीम ने आज इसको डिमोलिशन करवाया है। चूंकि जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है वहाँ बैंक संचालित है, पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ के मैनेजर को बताया गया है कि वो यथाशीघ्र बैंक परिसर को खाली कर दें जिससे हम उस अवैध अतिक्रमण को भी हटवा सकें। कहा जा रहा है कि जो उसके और भी प्रॉपर्टीज है, कुछ घर भी है जो कब्रिस्तान पे है, ऐसी कोई सूचना और भी मिली है कि कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ हो? बिल्कुल, हमारी टीमें उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में कई टीमें गठित हैं, वो लगातार जांच कर रही हैं और जैसे ही हमारी जांच कम्प्लीट होगी आप लोगों से भी बताएंगे और नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम सब अपनी जमीन को या किसी निजी व्यक्ति की जमीन होगी सबको हम खाली करवाएंगे। जो आरोपी है कहा जा रहा है बहुत तहसीलदार है, बहुत सारे लोगों ने और भी शिकायतें की हैं कि कुछ जमीनें और भी है जिस पर कब्जा उसने किया हुआ है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमने आपको बताया कि हमारी टीमें लगातार कार्य कर रही हैं, पुलिस की, प्रशासन की और अन्य जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं सभी बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। जो जो भी हमारे तथ्य संज्ञान में आएंगे और कुछ भी अवैध पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध जो नियम संगत कानूनी प्रक्रिया होगी हम लोग अपना करके और कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल, एक जो उसकी प्रॉपर्टी थी जो बेकरी की फैक्ट्री थी उसे बुलडोज किया गया है, कुछ और प्रॉपर्टीज में भी आज बुलडोजर चल रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज की जो है वो पहचान की गई है और जल्द ही उस पर भी बुलडोजर चलेगा। कैमरा पर्सन कफील के साथ वीरेंद्र शाह, टाइम्स नव भारत, अयोध्या।